फ्रेंड्स हाउ आर यू, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, शक्ल तो मेरी पूरी हो चुकी है चेंज और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से मैं ट्रैवलिंग में था और अभी मैं आ चुका हूँ उदयपुर, जो है राजस्थान में, और बहुत फेमस जगह उदयपुर तो सब जानते होंगे। सो अभी होटल में जैसे एंटर किया और पूरे दिन से आज शूट नहीं किया क्योंकि मूड ही नहीं, इतना थका हुआ जंगलों में, आपने देखा होगा वीडियो। सो अभी उदयपुर में आके आराम से होटल पहुँचा हूँ। अभी आराम से 2 घंटे नहाऊंगा क्योंकि ये बाल जो है ना, देखो आगे नहीं हो रहे, ये जो बाल जो है वो आगे नहीं हो रहे हैं। तो अभी देखो, होटल इतना ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे की साइड से। और बिखेरा पड़ा हुआ है, ये देखो, ये मैंने ट्रैक पहनी हुई है और ये वाला बैग, ये रहा होटल का रूम। ठीक है, बेड तो अच्छा ही है, इंटीरियर पूरा अच्छा है। इस साइड में आप भी आ सकते हो कोई उदयपुर से हो तो मिलने के लिए, और यहाँ पे हम चाय कॉफ़ी पियेंगे। और इधर अलमीरा है, टीवी है, टीवी तो कौन, ठीक है, कोई देखता ही नहीं है। और ये रहा बाथरूम, अभी इसके अंदर मैं जाऊंगा और थोड़ा अंदर आ जाता हूँ यार। अभी गीजर चालू करेंगे मस्त और आराम से, ये पूरा जो मेल जो है ना मार्बल के इलाके का, ये निकालेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और आज अभी तो कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि 8:54 हो गए, सुबह फिर हम आपको बताएंगे उदयपुर का पूरा तो क्या जितना हो सकेगा उतना मैं कवर करूंगा और आपको दिखाऊंगा उदयपुर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें नहीं है। बिकॉज कल नाइट को 9:00 का मेरा इधर से चेकआउट है, मैंने 24 आवर्स के लिए लिया हुआ था, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा मुंबई के लिए, आपको पता ही है। तो फटाफट से एक बार इस थोबड़े को धोते और ये सारा मेल निकालते और बाल को थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। मैं राजस्थान नहीं, मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं, ठंड में मेरा जो स्किन जो है ड्राई स्किन हो जाता है। और मेरी स्किन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, डस्टी स्किन है, हल्का सा भी कोई धूल उड़ेगा तो मेरी स्किन पकड़ लेती है, चुंबक के जैसा उसको बोलते हैं। ठीक, तो मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन आना पड़ता है। मजे तो करेंगे, 4 दिन में घर आ जाएंगे मुंबई में जाके, कोई टेंशन नहीं, और फिल्टर लगा देंगे। सो गाइस नहाते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पे एक स्पेशल दाल बाटी का ऑर्डर किया, राजस्थान में और दाल बाटी हम लोग ने खाई, तो फिर मतलब ही क्या, दाल बाटी खाएंगे कैसी बनती क्या बनती, आने के बाद मैं आपको पूरा डिश दिखाता हूँ। छोटा सा रेस्टोरेंट है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है और मेरे होटल के पास में ये, तो मुझे भी ठंड में ये ज़्यादा यार, ये मिक्सर बहुत चला रहा। ठीक है, दाल बाटी आने तो फिर आपको दिखाता हूँ। आ चुकी है मेरे पास दाल बाटी, ये है बाटी, ये है दाल, ये है चूरमे का लड्डू, और ये ऑनियन के टुकड़े एंड लेमन, ये कड़ी, और ये गट्टे की सब्जी, और ये चावल, और एक ये साथ में बटर मिल्क छाछ, और दिल्ली में बोलते हैं लस्सी, एक लस्सी दे दो। सो ये हमारी दाल बाटी अभी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको खाएंगे एंड सुबह मिलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग उदयपुर, और अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और 12 बज चुके हैं, तो अभी निकलेंगे उदयपुर में। सबसे पहले जाएंगे हम झीलों की नगरी, जहाँ पे झील है फतेह सागर झील, वहाँ पे जाके आपको, ठीक है, दिखाएंगे वहाँ का क्या नज़ारा है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उदयपुर में थोड़ा बहुत घुमाएंगे आपको, वैसे तो उदयपुर बहुत बड़ा है लेकिन आज के लिए जितना हो सकेगा उतना कैप्चर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। और अभी होटल से निकलते हैं और चलते हैं सीधा फतेह सागर झील। तो यहाँ पे समुद्र के साइड में देखो, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे बोट राइडिंग होती है, ये वाले जो सीन के पास में यहाँ पे ये ठेले लगे रहते हैं हर चीज़ के, पानी पूरी, सेव पूरी, टोटली चाट के, यहाँ से नहीं एक नहीं, कम से कम 50 ठेले लगे रहेंगे यहाँ से लगा के वहाँ तक, और आगे भी है। तो यहाँ का ये जो सीन जो है वो खाने पीने के बहुत ही मजे, हाँ मैगी वैगी बनती है, अभी मैंने 2 लोगों को देखा, वो लोग मैगी खा रहे थे। और तो गाइस, ये जो समुद्र है, इस समुद्र के बीचों बीच में एक ये मंदिर है। अभी जो धूप है मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा देखते हैं आगे की साइड पे। और इस साइड पे ये टोटल गाड़ियाँ खड़ी है, ठीक है, टूरिस्ट वाली, ये राजस्थानी औरतें, ठीक है, इनकी पहचान, ये कोई मोहताज नहीं है, ये अपने ड्रेसों में आती है वैसे पहचान जाती है, इनके हाथ में ढोल भी है, ये कुछ बजाते होंगे शायद, इधर वो कुछ करते होंगे, पता नहीं क्या करते होंगे। ये देखो इधर से ये वाला मंदिर, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये देखो ये मंदिर है, और इधर जो है ना बाइट, ये देखो ये आगे बोट राइडिंग,
यहाँ के मज़े इस चीज़ के लोग अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन मुझे आते हैं चक्कर तो मेरे को शूट ही नहीं होता मैटर। और थोड़ा सा ये देखो, इधर थोड़ा सा जूम करके और दिखाता हूँ, ये वाला मंदिर, ये पानी के बीचों बीच है, एकदम साइड किनारा भी नहीं है, पूरा समुंदर है, उसके बीचों बीच में मंदिर बना है, बहुत ही प्यारा है। सो अभी हम आगे की साइड और चलते और आपको। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने पूरा देख लिया, फतेह सागर झील बहुत बड़ा है, मैं खुद थक गया हूँ और पसीना आ रहा है दुनिया भर का। सुबह होती है ठंड और दिन में होती है गर्मी, ये राजस्थान की अलग ही कुछ कला है। सो अभी तो हो रही गर्मी, सो अब कल ठीक है कहाँ जाएंगे, आई थिंक आज की मेरी जो ट्रेन है वो हो गई है मिस, वो अब मुझे कल जाना पड़ेगा। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आ रहेगा, अगर पसंद आ रहेगा तो व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, शेयर कर दो। मिलते हैं कल कुछ नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।